भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सरन सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज छठा दिन है। पहलवानों के समर्थन में बड़े एथलीट और बॉलीवुड स्टार्स भी बयान दे रहे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कहा, सड़क पर इंसाफ मांग रहे एथलीट को देख करके कष्ट होता है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो देर हो जाएगी। एक बार नाबालिग रेसलर समेत 7 महिला खिलाड़ियों ने 21 अप्रैल को ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत भी दी थी, पर केस दर्ज नहीं किया गया था। इसके बाद में रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मंगलवार को CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने याचिका रखी। कहा, यौन शोषण के आरोप पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई। पीड़िता उस वक्त 16 साल की थी, गोल्ड मेडल जीता था। सुप्रीम कोर्ट का जवाब, CJI चंद्रचूड़ ने कहा था, पहलवानों के आरोप बेहद गंभीर हैं, इन लोगों ने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हैं, इस मामले को हम देखेंगे।